हाय गाइस, तो हमारी अगली ट्रिप स्टार्ट हो गई है कि आज नीदरलैंड्स में असेंशन डे है और अगेन हमें लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है और गुल्लू की छुट्टी है, तो कैसे हम घर पे बैठते हैं। फिर तो गुल्लू की छुट्टी थी तो अनुराग ने भी छुट्टी ले ली एक दिन की, फ्राइडे की, और हमारा मिल गया लॉन्ग वीकेंड और अगेन हम रोड ट्रिप स्टार्ट कर दिए हैं और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा ऑस्ट्रिया। तो अगर आप रोड ट्रिप लवर हो तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो अभी 8 बज रहा है और हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन टाइम दिखा रहा है 10:30, तो चलते हैं। अभी भी धुआं आ रहा है, देखो चलो। गाइज, हम पहुंच गए ऑस्ट्रिया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देख करके, सारा ग्रीनरी। और इस बार जो हमारा स्टे है वो है स्पिटल MPYHRN। मैंने थोड़ा जर्मन में बोलने का प्रैक्टिस किया था और ये इसको ऑस्ट्रिया का ये म्यूनसिपालिटी भी है यहाँ पे। और ये देखिए, अब ग्लेशियर भी दिखने लगा है। लाइट बाथरूम। Okay. Yeah, no. Nice. This is bed. This है तो दो बेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हमारी सुबह हो गई है, तो सब लोग अपना अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं। गुट्टू स्केट्स में लगी हुई है, अनुराग अभी स्लीपिंग मोड में ही है और गुल्लू आईपैड। बट हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप देख करके सोचोगे, जो कि ड्रीम होता है किसी का कि एक रूम ऐसी जगह पे हो जो पूरे माउंटेन्स के बीच में हो। तो हर तरफ पूरा माउंटेन ही माउंटेन है। तो देखो, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये वाली। तो अब हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से और जाएंगे हास्तात, और वो कहते हैं कि फेरी टेल टाउन है। चलिए आइए देखते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं हम जहाँ रुके हैं उसका व्यू कितना ही अच्छा है। तो ये लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, चलिए चलते देखते हैं फेरी टेल टाउन। गुट्टू सो गई है, गुल्लू चलिए। तो अब निकले तो ये सारा जो व्यू है वो भी सोचे थोड़ा आपको दिखाते हुए चलें। तो हॉस्पिटल से 1 घंटा लगेगा हालसात पहुँचने में। बहुत देर से पार्किंग खोजते खोजते थोड़ा एक मिल गया, हालांकि हम जल्दी ही निकले थे, पता नहीं, लेकिन हमको लग रहा है लोग हमसे भी पहले आए थे। और बस फिर उसके बाद हम बहुत सारे टनल्स को पार करते हुए फिर हमें एक जगह मिला है। अब हम थोड़ा वॉक करेंगे और फिर चलते हैं वहाँ। ये लेक का साइड वॉक है जिसे पकड़ के हम पूरा की स्ट्रीट देखते हैं हमारे जैसे टूरिस्ट।
और इस प्लेस पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की जाती है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये हॉलस्ट्रात का सेंट्रम दिखा रही पा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ थोड़ा मार्केट की तरफ हैं, कुछ यहाँ की लोकल शॉप्स हैं। और ये अब हमने ऑस्ट्रिया का सुविनर मैग्नेट भी ले लिया। तो गुल्लू की डिमांड पे अब हम जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए। तो बड़ी बोट में तो गुल्लू कई बार बैठ चुकी है, तो इस बार उसका मन है कि वो नाव में बैठे। और हमने इस बार इलेक्ट्रिक बोट किया है, तो आप आधे घंटे की, एक घंटे की, जैसा आपका मन हो वैसे बुक कर सकते हैं। और एक घंटे का 30 यूरो लगेगा। तो अभी हम लोग बोट में बैठ गए हैं, एक घंटे का बुक किया है, जिसमें कि गुल्लू थोड़ा ये कर रही है, राइड कर रही है। गुल्लू व्हील्स पे कौन है, इधर टर्न दे दो। गुल्लू को ज्यादा विगली कर रही हो तुम। इधर चलो, इधर इधर, बस वन टाइम मूव करो। गुड्डू मामी के साथ है, मामी के साथ है। पापा तो ये सच में हॉस्टल जो एकदम पूरा फेरी लैंड जैसा है, कहते हैं वैसा ही लग रहा है। और यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ना करे। आई विश कि हमारे पास और ज्यादा टाइम होता और हम और ज्यादा टाइम स्पेंड करते यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पूरा एक दिन लेके आइए और आराम से नेचर को एंजॉय कीजिए। दूसरा, अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा, 9 o'clock तक आ जाइए, 9:10, सो आपको पार्किंग मिल जाएगी। अगर थोड़ा सा लेट करेंगे तो यहाँ पार्किंग बहुत जल्दी फुल हो जाती है। रो रही थी और उनको भी चलाना था बोट, और वो आगे चली गई है पापा के पास। ये क्या बहुत ज्यादा, ये तो डीप लग रहा है, इधर आ जाओ, पापा को डर लग रहा है, उधर चलो। तो अगर आपने फ्रोजन मूवी देखी है तो जी हाँ, यही है रियल लाइफ एरेंडल, एक छोटा सा टाउन जिसकी टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 800 होगी। तो इस ब्यूटीफुल टाउन से इंस्पिरेशन लिया गया, सो डोंट से लेट इट गो। सो गाइज, आज का अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। बस
और क्या, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे फिर। तो शाम का 4 बज गया है और अब हम जा रहे हैं सॉल्ट माइन देखने के लिए और स्काई वॉक, जो कि आप आइएगा तो ज़रूर देखिएगा। उस पे जाना है केबल कार? लिटिल बिट। थैंक यू बेटा। गुट्टू को तो भयंकर ठंडी लग रही थी, उनके लिए टोपी लिया गया। बोट में बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो शाम होने की वजह से केबल कार के टिकट सोल्ड आउट हो गई थी। तो हम कल आएंगे फिर से स्काई वॉक और सॉल्ट माइन देखने के लिए। तब तक के बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।